भिलाई नगर निगम के कोसानगर से भाजपा प्रत्याशी जयप्रकाश यादव चुनावी मैदान में हैं। कोसानगर नाम से जाने जाने वाले वार्ड से यदि वे पार्षद चुनकर आते हैं तो विकास के मुद्दे को लेकर किस प्रकार की प्राथमिकताएं होंगी एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार के कार्य श्री यादव की तरफ से किए जाएंगे, इस बारे में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस प्रकार जानकारी दी। जनता का आशीर्वाद मुझे मिलेगा, मैं अगर जीत कर आता हूँ तो सबसे पहली मेरी प्राथमिकता होगी जितने मेरे वार्ड में नागरिक बंधु हैं उनकी जो निजी समस्याएं हैं, जैसे कई लोगों के माताओं के बहनों के पेंशन अभी तक नहीं बन पाए हैं, कई लोगों का बीपीएल सर्वे में नाम नहीं जुड़ा है जिसके कारण उनका बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है, ऐसे कई नागरिक हमारे वार्ड में निवासरत हैं जिनको आज भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, ऐसे कई नागरिक हमारे क्षेत्र में निवासरत हैं जो कि शासकीय योजनाओं के लाभ मिलने से वंचित हैं, ऐसे लोगों को लाभ दिलवाना, प्रत्येक नागरिक को उसके अधिकार को दिलाना, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ साथ जो सघन बस्ती क्षेत्र है हमारे वार्ड के अंदर, उन बस्तियों में आज़ादी के बाद से लेकर आज तक नालियों का निर्माण नहीं हो पाया है, उन बस्तियों में आज तक सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है, ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके सबसे पहले उन क्षेत्रों का, उन बस्तियों के अंदर के नालियों का, उन बस्ती के अंदर के सड़कों का विकास कराना हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और हमारे कोसानाला में 17,33,00,000 रुपए कोसानाला के दोनों तरफ रिटेनिंग वॉल चैनलाइजेशन के लिए हमने स्वीकृत कराया है और इस पैसे को और इस विकास कार्य को इन्होंने दुर्भावनापूर्वक कोका से प्रारंभ किया है, उसको कोसानगर से प्रारंभ कराना यह हमारी पहली प्राथमिकता में रहेगा। जहां पर आज सड़कें नहीं हैं, जहां पर आज स्ट्रीट लाइट नहीं है, वहां लाइट लगवाना यह हमारी प्राथमिकता में रहेगा। कई स्थानों पर बच्चों के लिए बाल क्रीड़ा स्थल का निर्माण शेष है, कई स्थानों पर प्लेग्राउंड बनाने का कार्य अभी भी लंबित है, ऐसे कार्यों को जो कि अभी पेंडिंग में है उन कामों को आगे बढ़ाना, कई स्थानों पर अल्प कार्यकाल होने के कारण 6 से 8 महीना मुझे कार्य करने को मिला, विकास कार्य बहुत सारे मेरे कार्यकाल में हुए हैं परंतु बहुत सारे कार्य अभी शेष हैं, जो बचे हुए सारे कार्य हैं जो जनता की भावनाएं हैं मुझसे जो जुड़ी हैं, जो जनता मुझसे करवाना चाहती है काम, वो सभी कामों को करना यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। सुरक्षा को लेकर किस प्रकार की रणनीति, जैसा कि मेरे क्षेत्र में देखा गया है कि आपराधिक प्रवृत्ति के कुछ नवयुवकों द्वारा उपद्रव मचाया जाता है, कई बार लोगों की गाड़ियां जला दी जाती हैं, पर्दे जला दिए जाते हैं, कंडे जला दिए जाते हैं और वो पकड़ में नहीं आते, तो उन्हें पकड़ने के लिए हम CCTV कैमरा लगाएंगे जिससे कि ऐसे लोगों को हम पकड़ सकें और उन्हें उनके सही स्थान पर भेज सकें।